फुटबॉल इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना तहसील में अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सड़क की दोनों पटरियों से टीम ने अतिक्रमण हटाया। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी, पुलिस और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण अभियान चलाया। अमेठी में बीती शाम दो पक्षों में लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जमकर मारपिटाई हुई, जिसमें एक पक्ष के बुजुर्ग महिला सहित 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को गांव वालों ने तुरंत सीएससी संग्रामपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल गौरीगंज रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? मैं भूतपूर्व सैनिक आनंद प्रकाश पांडे, ग्राम मरमली। क्या घटना हुई आज आपके साथ? हमारे घर पे कोई था नहीं और हमारे पिताजी थे, और पीछे की दीवार तोड़ के गांव के नारायण बहादुर सिंह, जगदम्बा सिंह, उनके बेटे बिपिन सिंह और उनके लड़के महेंद्र सिंह और विवेक सिंह, ये 5 लोग घर में हमारी दीवार तोड़ के घुस गए और हमारा तीन उठा के तीन भी उठा के फेंक दिए। दीवार तोड़ के घर में घुस गए और हमारे पिताजी को मारने लगे। फिर हमारा छोटा भाई जैसे पहुँचा उसको भी मार दिए। जब गुहार हुई तो हम भी पहुँचे वहाँ पर, हमारा बड़ा भाई भी पहुँचा। जैसे जैसे हम पहुँचते गए वो मतलब मारते गए। बस्ती जिले के नगर थाना के बक्सर गांव के पास पुलिस और एंटी व्हीकल थीप की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गौ तस्करों की फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तीनों गौ तस्कर कुशीनगर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस और 4 पिकअप गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। अपराधियों की रोकथाम पर जनपद बस्ती के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 14-15 की प्रातः में थाना नगर की पुलिस और एंटी व्हीकल थेफ्ट की टीम के साथ में गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। हमारे एक सिपाही भी घायल हुआ है। इन दोनों का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, जहाँ दोनों खतरे से बाहर हैं। कल रात्रि की मुठभेड़ में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन तीनों के पास से अवैध असलहे बरामद हुए हैं और इनके पास से एक पिकअप बरामद हुई है, जिस पिकअप से ये मवेशियों को यहाँ से ले जा रहे थे। इस संबंध में हम इनके और साथियों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। ये मुख्यतः कुशीनगर के रहने वाले हैं। शीघ्र इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इन्होंने जो अवैध संपत्ति अर्जित की उसको भी कुर किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायकों ने सेवा अधीन चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई जांच की मांग सेवा अधीन चयन आयोग के खिलाफ की है। कांग्रेस विधायक वरुण कापड़ी का कहना है कि सेवा अधीन चयन आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनमें पूरी तरीके से धांधली देखने को मिल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं सदस्य कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सेवा अधीन चयन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करा रहा है। फर्रुखाबाद में दबंग चौक के इंचार्ज दीपक कुमार सिंह योगी सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। योगी सरकार ने यूपी पुलिस अधिकारियों को जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया, जिसका चौकी इंचार्ज दीपक सिंह धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी सरकार के आदेश के बावजूद भी दबंग चौकी प्रभारी दीपक सिंह ठेंगे पर उसे दिखा रहे हैं। चौकी इंचार्ज के दबंगे के चलते व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। व्यापारी चौकी इंचार्ज दीपक कुमार के दबंगे के चलते परेशान हैं। व्यापारियों ने चौकी इंचार्ज पर अवैध वसूली, बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया है। चौकी क्षेत्र में दुकानों में लगातार हो रही चोरियों से व्यापारी परेशान हैं। थाना शमशाबाद क्षेत्र के फैजाबाद चौकी क्षेत्र का ही पूरा मामला है। फर्रुखाबाद में योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का माहौल बना है। रजिस्टर सत्यापन करने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ से आई टीम विद्यालयों के खर्च वाले रजिस्टर पर सत्यापन के नाम पर 5,000 की अवैध वसूली कर रहा है। ब्लॉक कमालगंज के सभी विद्यालयों के रजिस्टर में सत्यापन के नाम पर यह वसूली की जा रही है। सरकार के नुमाइंदे सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ही पूरा मामला।
हरदोई में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु डीएम अविनाश कुमार और एसपी राजेश द्विवेदी ने पुलिस लाइन के स्वर्ण जयंती सभागार में धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। पैमाइश को लेकर ग्रामीण से 10,000 रिश्वत लेते लेखपाल रोहित सिंह को मंडी से एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। एंटी करप्शन टीम ने पूछताछ के लिए लेखपाल को कोतवाली एलआई से पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। लेखपाल पर छिबरामऊ तहसील में कार्यरत लेखपाल रोहित सिंह शाहजापुर क्षेत्र का एक पूरा मामला। सुरनगरी नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल पहुंचने पर कई वार्डों का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों और तीमारदारों के हालचाल जाने, साथ ही डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी मिली है। राज्यपाल ने भर्ती मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनसे परेशानियों के बारे में भी पूछा। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में लड़खड़ाई बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई बार समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, जिसके बाद तहसील परिसर में प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन ने पहुंचकर पूरनपुर उपजिलाधिकारी से समस्या के समाधान कराने की मांग की, जिस पर उपजिलाधिकारी ने पूरनपुर विद्युत विभाग एक्साइन अरुण कुमार और विद्युत विभाग एसटीओ संजीव कन्नौजिया को बुलाया और समस्या का समाधान करने की बात कही है। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला मरीज ने ओपीडी में तैनात चिकित्सिका पर हाथापाई की और अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस दौरान अस्पताल में काफी देर तक हंगामा रहा, हालांकि अस्पताल सीएमएस के आश्वासन पर पूरा मामला शांत हो गया। संभल में भाजपा नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, वहीं बच्चों को मंदिर ले जाकर सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करने का आह्वान भी लगातार किया जा रहा है। संभल में 4 महीने से वेतन न मिलने पर आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों ने रोड जाम कर धरना दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर सफाई व्यवस्था चौपट करने की सफाई कर्मियों ने चेतावनी भी दी है, जिसको लेकर लगातार वो प्रदर्शन करते रहे। हालांकि किसी तरह से पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से उनको हटाया है। श्रावस्ती एसडीएम इकोना को हटाने की मांग पर अधिवक्ता अड़े हुए हैं। काफी समय से एसडीएम आरपी चौधरी को हटाने की मांग कर रहे हैं, अब तक सुनवाई न होने पर अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है। शुक्रवार को बौद्ध परिपथ पर चक्का जाम करेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ता संघ की बैठक में चक्का जाम पर आम सहमति बन गई है, सुनवाई न हुई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। श्रावस्ती में राशन कार्ड वितरण के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। कौना तहसील सभागार में मेगा कैंप लगाया गया। विधायक रामफेरन पांडे ने राशन कार्ड का वितरण किया। राशन कार्ड पाकर पात्रों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मिली है। मेगा कैंप में 1,000 अपात्रों ने अपने कार्ड सरेंडर कर दिए। गरीबों को मुफ्त राशन देना भाजपा सरकार की दूरदर्शी सोच है, ऐसा कहते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को।